आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या और जल्दबाजी में हुए अंतिम संस्कार को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लखबीर के अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि लखबीर का अंतिम संस्कार मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि अंतिम संस्कार करने में पुलिस को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि परिवार को आखिरी बार शव तक देखने नहीं दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घोर अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में अंतिम संस्कार लखबीर सिंह का किया गया। घर के से 12 सदस्य वहां पर शामिल थे, रो रहे थे और मांग कर रहे थे पुलिस अधिकारियों को, कह रहे थे कि हमें एक बारी लखबीर को देखने तो दो। लेकिन पुलिस ने आनन फानन में, जल्दबाजी में, फोन की टॉर्च में ही अंतिम संस्कार कर दिया। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर हमलावर है। बीजेपी का सवाल कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। बीजेपी के जो आईटी सेल देखते हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है और मौजूदा सरकार पर, पुलिस पर हमला बोला है। अभी तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस बाबत सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी ने इस मसले को मुद्दा बना लिया है। ऐसे में बड़े सवाल है कि आखिर आनन फानन में अंतिम संस्कार क्यों किया गया, लखबीर के शव के साथ अपमान क्यों हुआ, रात में शव का अंतिम संस्कार क्यों। रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोई प्रतिक्रिया तो रविकांत अभी इस मामले के बीजेपी के उठाने के बाद सामने नहीं आई है, किसी प्रकार की कोई सफाई पुलिस की तरफ से या मौजूदा सरकार की तरफ से। लेकिन देखिए, सिलेक्टिव अप्रोच रविकांत नजर आ रही है। लखीमपुर में प्रियंका गांधी की कैंपिंग चल रही थी, वहीं राजस्थान में जब रेप हुआ था एक दलित लड़की के साथ, तो कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा था, और यहां पर भी किसी का मुंह अभी तक नहीं खुला। बिल्कुल ज्योत्सना, और अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है वो एक तरीके का तंज है उसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पर, कि जब कांग्रेस रूल्ड स्टेट में कोई भी घटना होती है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होती है, वहाँ पर विपक्ष सवाल नहीं खड़े करता है। लेकिन अगर कोई घटना बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो जाए तो वहाँ पर समूचा विपक्ष जो है उस पर राजनीति करता है। दो दिन पहले जो घटना घटी सिंघू बॉर्डर पर, जिस तरीके से बर्बर तरीके से निर्मम हत्या की गई, और इस पूरे मामले में जहाँ का वो रहने वाला था पंजाब में, वहाँ पर जब उसका शव पहुँचा तो किस तरीके से गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में जो मोबाइल फोन्स के टॉर्च हैं उनको जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। आखिरकार क्या वजह थी कि परिवार वालों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई? क्यों अभी तक जो है ऑपोजिशन के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनसे सवाल पूछ रही है कि जब राजनीति में है तो आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अगर आपके राज्य में कोई घटना घटती है तो आप खामोशी साध लेते हैं, लेकिन लखीमपुर की जब घटना होती है तो समूचा विपक्ष जो है वहां के केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगता है, वहां की सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। तो जो ये ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से, उसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पर एक तरीके का तंज है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी दूसरे विपक्षी दल की तरफ से ज्योत्सना इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि जिस 35 साल के युवक की वहां पर हत्या की गई वो भी एक दलित बिरादरी से बिलोंग करता है, और दलित पॉलिटिक्स को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार इस बात को उठाता है कि वो उनके हितैषी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो पिछड़े लोग हैं उनकी बातें करते हैं, लेकिन इस घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है रविकांत, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। दिल्ली से रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में दो और आरोपी निहंग ने शनिवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस हत्याकांड के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबाव बना रही थी, इसी के बाद दो और निहंग का सरेंडर हुआ। आरोपी निहंग के नाम भगवंत सिंह और गोविंद सिंह बताए गए हैं। इसके अलावा हत्या के एक और आरोपी निहंग नारायण सिंह की गिरफ्तारी अमृतसर से हुई है। अब तक इस हत्याकांड में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान इन हत्या के आरोपियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया।
इस बीच पंजाब के डिप्टी सीएम ने इस पूरी घटना की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। एक आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार हुआ है, तो कुल इस मामले में चार आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। चारों ने सरेंडर किया है। दो लोगों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। एक ऑलरेडी पुलिस के रिमांड पर जा चुका है। ऐसे में पूछताछ होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी और ज्यादा। वही दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो चार लोगों का सरेंडर, वहीं दूसरी तरफ फूलमाला से स्वागत हुआ है उस निहंग का जिसने सरेंडर किया है। दो सिंघां दी गिरफ्तारी दित्ती आ जी, जहेदार घोड़ियां दे भगवंत सिंह, एक गोविंदप्रीत सिंह। ये दोने पंथ अकाली निर्वैर खालसा उलझना दल दे सेवादार सी। अज उन्हां दी गिरफ्तारी है, जिहड़ा ये कल हत्याकांड जद होया, जो भी सौदा लाया उहदे इवज दे विच अज दो सिंघां दी गिरफ्तारी दित्ती गई है जी। सिंघू बॉर्डर पर हत्या जो हुई है, इस मामले में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत का विवादास्पद बयान सामने आया है। राकेश टिकैत साफ साफ कह रहे हैं कि इस हत्याकांड से किसानों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसान संगठन की कोई जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि जब आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो पूरा केस ही खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पीड़ित परिवार से ही मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि किसान संगठन की तरफ से पीड़ित परिवार की मदद से इनकार कर दिया, पीड़ित परिवार को मिलने से भी, मदद से भी इनकार किया। साथ ही चढ़ूनी ने यह भी कहा कि हम सबसे जाकर नहीं मिल सकते। तो किसान नेता इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं और राकेश टिकैत पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, लेकिन पिछले कई महीनों से जिस तरह की घटनाएं इन आंदोलन वाली जगहों से सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। हम सभी परिवारों के पास जा ही नहीं सकते, 700 परिवार गुजर चुके हैं, 700 जो है वो लोग अभी तक गुजर चुके हैं आंदोलन में। हम कितने लोगों के घर पास जा पाए? इससे पहले तो आप काफी लोगों के पास जा। मैं कह रहा नहीं, जा ही नहीं सकते। 700 लोगों के घर जो गुजर चुके हैं, उससे पहले जा ही नहीं सकते। हमारा तो ये है कि जो गलत उसको गलत कह देंगे। बस मैं कह रहा कि एक तो गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए कि देश में कानून है, किसी को अगर हत्या होगी तो उसमें 302 लगती है। तो इससे बदनाम किसान आंदोलन होगा? नहीं, किसान आंदोलन बदनाम नहीं हुआ। जो लोग करता है, कोई भी व्यक्तिगत काम करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। हम तो ये भी कहते हैं कि कोई अगर पत्थर उठा रहा है, वो पत्थर मारेगा, तो उसकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसान आंदोलन इस तरह की कोई इजाजत नहीं देती। मोहित ओम मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। राकेश टिकैत कानून का पाठ पढ़ाने लगते हैं, धाराओं के बारे में समझाने लगते हैं, 11 महीने से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी भी घटना की, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। खैर, मोहित मेरे साथ बने हुए हैं। मोहित, कितने लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है अभी इस मामले में, क्या अपडेट है? और नजर आता है कि इनके मन में उस हत्या को लेकर कोई भी जो एक सॉरी की फीलिंग होती है, माफी, इनको लग रहा है कि हम माफी मांगने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग पूरे मान सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनको माला पहनाए जा रही है, उस वक्त सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस इनको अरेस्ट कर रही है। अभी तक चार लोग हो चुके हैं, जिसमें सरबजी सबसे पहले हुआ था, उसके बाद कल भगवंत सिंह और गोविंद सिंह, दो लोगों के नाम जो बताया गया उनका सरेंडर है। आज इनको सोनीपत कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस का कहना है कि इनकी रिमांड मांगी जाएगी। अब पुलिस का यह भी कहना है कि जितने भी अब तक हमारे पास वीडियो साक्ष्य आए हैं, उसमें जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, उन सभी को हम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, हमें मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रेरित भी इस समय मौजूद है। प्रेरित, आज कोर्ट में क्या हुआ? दो लोगों की आज कोर्ट में भी पेशी थी। जी बिल्कुल, कोर्ट में अभी अब से कुछ थोड़ी देर में ही हरियाणा पुलिस जो है, जो दोनों लोगों ने कल सरेंडर किया था सिंघू बॉर्डर पे, उनको अभी से थोड़ी देर में ही पेश किया जाएगा। कल जो निहंग सुखबीर सिंह थे, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जो सुखबीर सिंह के जो वकील थे, डिफेंस लॉयर, उन्होंने दलील रखी कि 4 घंटे की ही बस पुलिस रिमांड दी जाए, जबकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो मांग कर रहे थे कम से कम 14 दिनों की रिमांड दी जाए, जिसमें जज ने सारी बातों को सुनते हुए मजिस्ट्रेट ने 1 सप्ताह की रिमांड दी है, 7 दिनों की रिमांड दी है। और 7 दिनों में जो रिमांड में यह कहा गया है कि वो लगातार अपने वकील के संपर्क में रहे, उसके अलावा हर दिन मेडिकल टेस्ट हो।
साथ ही साथ जो जानकारी मिली थी, जो 7 दिनों के जो रिमांड की जो मिली है उन्हें, उसकी पुलिस कस्टडी, उसके पीछे की वजह ये बताई गई है वकील के द्वारा कि हम इसमें जो तमाम जो वीडियोस आ रहे हैं उसके साक्ष्य को लेकर के और भी हम चीजों को जुटाएंगे। उसके अलावा 4 नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जो सुखबीर सिंह निहंग है, जिसने वो हत्या का जो आरोपी है, उसने 4 नाम बताए हैं जिससे वो पूछताछ करने की कोशिश करेगी पुलिस। उसके अलावा सुखबीर सिंह ने यह भी कहा है कई ऐसे लोग हैं जिनको वो चेहरे से जानता है, नाम से नहीं जानता, तो पुलिस उन लोगों को भी तलाशने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ एक जो बड़ी अहम बात वो है वो ये है कि जिस हथियार से उस लखबीर सिंह की हत्या हुई है वो हथियार अभी भी पुलिस को बरामद नहीं हुई है। जो सुखबीर सिंह है उसने अपना पर्सनल वेपन दिया है, जिस वेपन से अभी तक हत्या को लेकर के जिस वेपन से हत्या हुई है वो वेपन अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी बताया है मजिस्ट्रेट को कि उसके शरीर पे तकरीबन 37 अलग अलग हथियारों के निशान दिखे हैं। ठीक है प्रेरित, आप इस कोर्ट की कार्यवाही पर नजर रखिए, मैं अपडेट के लिए वापस लौटूंगी।